हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस के लिए आज हम प्रैक्टिस सितंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें आपको भी पता है हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलेगी 100 वीडियो तक, जिसमें हम 55 वीडियो बायोलॉजी के कवर करेंगे, 35 वीडियो लगभग फिजिक्स के और शेष बचे हुए वीडियो केमिस्ट्री के करेंगे। हमारा टारगेट है 100 वीडियो में पूरी साइंस को आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट कराया जाए। और मेरे पास जो बुक है किरण पब्लिकेशंस के, उससे मैं ये सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर जो आपने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर जो आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चों का साइंस वीक है, वो लोग कहाँ से पढ़े? तो उनके लिए मैंने साइंस के लिए स्पेशल पीडीएफ बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका भी साइंस वीक है वो ले सकते हैं। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरल साइंस सारे एग्जामों में आपके काम आने वाला, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे UP SSC हो, चाहे UPP हो, चाहे UPSI हो, सारे एग्जामों में काम आएगा। और रेलवे के लिए स्पेशली बनाया गया 80-85% प्रश्नों की गारंटी यहाँ पे है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर जो मैं विवृत का मतलब बता दूं, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो खुला हुआ परिसंचरण तंत्र किसका होता, तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ और जोंक का। क्या हो जाएगा? केचुआ और जोंक। और केचुआ और जोंक से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये किस संघ के जीव हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये संघ आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। ठीक है, क्या जंतु हैं? तो संघ आर्थ्रोपोडा के जीव या जंतु हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा के। अब बात कर ले संघ आर्थ्रोपोडा के, तो संघ आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के जो जंतु होते हैं, उसमें जो ऊतक द्रव होता है या जो रक्त भरे होते हैं, वो असममित पात्रों के खुले परिसंचरण तंत्र में होते हैं। क्वेश्चंस भी आपसे यही पूछ रहा है, लेकिन ये आपसे संघ आर्थ्रोपोडा के जो कैटेगरी के जंतु हैं उनको आंसर में दे दिया था। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित में से किस जंतु का में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग 20 क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको सही सही आते हो, 15, 14, 12, वो मुझे कमेंट करके बता दिया करें नीचे, जिससे आप मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, कितने तेज हो आप, ठीक है, कितना आपका लेवल है, तो उसी हिसाब से मैं आगे प्रश्नों को कराता रहूं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीबा। किसमें नहीं होता? अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अमीबा की बात करें, तंत्रिका तंत्र निश्चित नहीं होता और इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती, यह किसी भी आकृति में ढल सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? कॉस्ट रेडवुड। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट रेडवुड। अभी आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, ऑप्शन में नहीं है कॉस्ट रेडवुड। कॉस्ट रेडवुड की बात करें, 116 मीटर तक ऊंचा होता है कॉस्ट रेडवुड, लेकिन कॉस्ट रेडवुड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड सबसे ऊंचा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है, जो ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए हमारा यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, कॉस्ट रेडवुड भी ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सेकंड नंबर पे यूकेलिप्टस आता है ऊंचाई में, इसलिए ऑप्शन में यूकेलिप्टस दिया, तो यूकेलिप्टस को हम सही मानेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? देखो, कपोत का मतलब क्या होता है? कपोत आप जानते हैं कबूतर होता है, अब कबूतर एक प्रकार का पक्षी होता है, तो पक्षी हमारा उत्पन्न करता है, तो कपोत दुग्ध पक्षी उत्पन्न करता है, तो कह सकते हैं एक प्रकार का ये क्या होता है? एक स्राव होता है, जो दूध के समान होता है, कोई दूध नहीं होता लेकिन एक स्राव होता है जो दूध के समान होता है, इसलिए हम कपोत दुग्ध बोलते हैं। ठीक है, और कौन उत्पन्न करता है? पक्षी उत्पन्न करता है, कबूतर द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और कबूतर किस कैटेगरी में आता है? पक्षी में आता है। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? यह क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा, और बात करें इसका आंसर क्या होगा? वेल होगा, ब्लू वेल होता है इसका राइट आंसर, सबसे बड़ा जानवर प्राणी है। ठीक है, और यह स्तनपाई भी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, फिर भी स्तनपाई होते हुए यह अंडा देता है। ठीक है, लगभग स्तनपाई जितने जानवर होते हैं सारे बच्चे को जन्म देते हैं सीधा, लेकिन यह अंडा देता है, वेल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी परिस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरगिट किस परिस्थिति के कारण रंग बदलता है? ध्यान रखिएगा, गिरगिट जहाँ पे रंग बदलता है वो त्वचा जो होती है वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, और उसी त्वचा के नीचे
एक कोशिका की परत होती है जिसे क्रोमेटोफोर वर्ली लवक बोलते हैं, ठीक है। इसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, गिरगिट रंग बदलता है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपको क्रोमेटोफोर दिया नहीं है, लेकिन क्रोमेटोफोर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल किलवक। तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्रोमेटोफोर भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका की परत होती है क्रोमेटोफोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है, रुधिरहारी मतलब जो खून पीता है या खून ग्रहण करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मच्छर। क्या है, मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ऊतक के नख खुर और सींग किसके बने होते हैं, तो नख खुर और सींग की बात करें ऑप्शन के हिसाब से केराटिन इसका राइट आंसर होगा। केराटिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह नख सींग और किसमें, खुर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नीला हरी शैवाल आप बहुत बार सुने होंगे, नीला हरी शैवाल, और इस शैवाल का नाम सुनते हो आप ये जानते होंगे कि ये पादप कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पादप कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। यह किस समूह के अंतर्गत आता है, यह साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है या नील जीवाणु के अंतर्गत आता है, कौन, नीला हरित शैवाल, ठीक है, नीले जीवाणु के अंतर्गत या साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी के अंतर्गत आता है और यह एक जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिस्कंदक निम्नलिखित में से, इनमें से प्रतिस्कंदक नहीं होते, तो प्रतिस्कंदक नहीं होते तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा प्रतिस्कंदक होता क्या है, ठीक है। तो प्रतिस्कंदक ध्यान रखिएगा वे जीव अभी आप आंसर तुरंत बताओगे, वे जीव जो खून पीते हैं वो प्रतिस्कंदक हैं, और क्वेश्चन में पूछा है प्रतिस्कंदक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो भी खून पीता है, मच्छर भी पीता है, खटमल भी पीता है, लेकिन बन रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं, किसको उभयचर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइटा को कहते हैं उभयचर, ठीक है। यह प्रथम स्थलीय पौधा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है एक जीवाणु कोशिका है प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, ध्यान रखना जब भी कोई जीवाणु कोशिका विभाजित होगी वो टूट के 2 बैक्टीरिया बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति 20 मिनट में अगर जो विभाजित होती है, मान लो एक जीवाणु यहाँ पे है, वो प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, ठीक है। तो पहले 20 मिनट आपको यहाँ पे विभाजित हुई, पहले 20 मिनट में तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया बनी, फिर 20 मिनट बाद वह फिर से विभाजित हुई, तो ये अलग बना, ये अलग बना, फिर इनसे 2 अलग अलग बने, फिर इनसे 2 अलग अलग बने, यानी कि अगले 20 मिनट में ये कितना हो जाएगा, पहले तो 2 टूटा था, फिर अगले 20 मिनट में 1, 2, 3, 4 में टूट गया, फिर अगले 20 मिनट यानी कि यहाँ पे फिर से ये 4 किस में टूट जाएगा, ये 2 में टूटेगा, 1, 1, 2, फिर ये भी 1, 1, 2 में टूटेगा, फिर ये भी 1, 1, 2 में टूटेगा, ये भी 1, 1, 2 में टूटेगा, यानी कि पहले 20 मिनट में ये 2 में टूटा, फिर अगले 20 मिनट में ये 4 हो गया, फिर अगले 20 मिनट में आपने देखा 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ हो गया और 4 यहाँ, 8, अगले 20 मिनट में 8 हो गया, फिर अगले 20 मिनट में डबल हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, टोटल 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120 मिनट में कितना हो जा रहा है, ये 64 हो जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 यानी कि 64। इसी तरीके से आप अगर जो जितना भी पूछा निकाल सकते हो, ये प्रश्न आपके SSC CGL प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है, इसको मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झींगे के हृदय में क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त, क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप किरण पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लीजिए, मोटी वाली, वहाँ से मैं करा रहा हूँ। इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने सोचा है कि एक तो PDF आप पढ़ रहे हो, PDF से बचे हुए क्वेश्चन मान लो कहीं से प्रश्न छूटता है तो आप यहाँ से प्रश्न करोगे तो आपका बहुत अच्छा साइंस हो जाएगा और प्रश्न आपके बाहर से कहीं से नहीं आएगा। तो ये मेरा टारगेट है कि आप PDF लेके 30 दिन में पहली बात कंप्लीट करो और डेली आप ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देखते रहो, ठीक है, और इसका भी आप नोट्स बनाते रहो वन लाइनर क्वेश्चन करके। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इनको हल्के में मत लेना, आपको दोबारा देखना हो तो ठीक है, अच्छी बात है, दोबारा नहीं देखना तो आप लिखते रहो कॉपी पेन लेके, ठीक है। कोई भी मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, कॉपी पेन लेके जरूर बैठो। क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रवास होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा हाइड्रा, हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन ये श्वास लेता रहता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रेगने और विसर्पण करने वाले कसूर के जंतुओं को किस प्रकार के कहते हैं। देखो विसर्पण मतलब जो विष जिनके शरीर में होता है, या रेगने वाले किस जंतु के प्रकार में आते हैं, तो ध्यान रखें कि रेप्टाइल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल, रेप्टिलिया, या फिर कह सकते हो सरीसृप, हिंदी में अगर जो आ जाए, अंग्रेजी आ गया है, अंग्रेजी हिंदी दोनों आप ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस पढ़ना, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्ड को ध्यान रखना। सरीसृप कैटेगरी में आते हैं। अब सरीसृप कैटेगरी की बात करें, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एक तो एक ध्यान रखना, इनमें आरबीसी पाया जाता है। सरीसृप कैटेगरी में आरबीसी पाया जाता है। अनियत तापी होते हैं, अनियत तापी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल अगर जो पूछे, ध्यान रखना, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ आ गया रेप्टिलिया कैटेगरी या सरीसृप कैटेगरी में, मगरमच्छ आ गया। अजगर भी आ जाता है, अजगर और जितने भी सांप होते हैं वो आ जाते हैं। कछुआ भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। घड़ियाल आपने नाम सुना होगा, इसी कैटेगरी में आ जाता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा निम्फ बोलते हैं। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ बोलते हैं। और अगर जो आपसे क्वेश्चन आ गए, कॉकरोच किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा, किस संघ के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है कॉकरोच, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्त जीवी वे जीव होते हैं जो आहार के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मृत व क्षय मान सामग्री पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली कौन सी है, तो ध्यान रखना कुरंजन मछसूरा या डॉग फिश, ये वास्तविक मछली है, ठीक। और सारे मछली नहीं है, ये मछली है, मछली का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता, तो ये भी क्वेश्चन आप शुरुआत से ही पढ़ते चले आए हो, सांप के सामान्य जो जनरल जी के होता है, सांप को कान का पर्दा नहीं होता, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर सांप हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है, तो ध्यान रखना गौरैया, गौरैया चिड़िया। अब ये विलुप्त की कैटेगरी में आ चुकी है, यानी कि बात करें ये गायब सी हो रही है, बहुत कम देखने को मिलती है, पहले तो देखने को मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में, उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर होगा गौरैया। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।